1 दिसंबर 2020 को एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क ने यह दावा किया था कि स्पेसएक्स की मदद से हम 2024 तक मंगल ग्रह पर पहले इंसान को पहुंचा चुके होंगे और 2026 में वहां पर मानव बस्ती भी होगी। ये बातें सुनने में काफी फैसिनेटिंग और रोमांचक लगती हैं और उस समय एलन मस्क के इस स्टेटमेंट को कई न्यूज चैनल्स और न्यूज वेबसाइट्स ने पब्लिश भी किया था। पर एलन मस्क के इस दावे पर कई फेमस एस्ट्रोनॉट्स और वैज्ञानिकों की माने तो मौजूदा स्थिति में एलन मस्क का 2024 से पहले मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाने का सपना पूरा होना लगभग इम्पॉसिबल है, जिसके लिए उन्होंने कई कारण भी दिए, जिनमें से 7 मुख्य कारणों के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 2024 में हम इंसान करीब 50 सालों बाद फिर एक बार हमारे मून पर मैंड मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद इंसानों का अगला ठिकाना होगा मंगल ग्रह। पर क्या मौजूदा स्थिति में हम मंगल ग्रह पर इंसानों को भेज सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो कि आसानी से इंसानों को मंगल ग्रह तक भेज सकती हैं? ऐसे में इसका जवाब है नहीं, वी डोंट हैव रॉकेट टेक्नोलॉजी टू गो ऑन मार्स। आज के समय में स्पेसएक्स के पास 3 मेन रीयूजेबल रॉकेट्स हैं, जिसमें पहला है फाल्कन 1, दूसरा फाल्कन 9 और तीसरा फाल्कन हैवी। लेकिन इनमें से कोई भी रॉकेट इतना ज्यादा एडवांस नहीं है कि वो मंगल ग्रह तक इंसानों को सेफली लेकर जा सके और फिर वहां से सेफली इंसानों को पृथ्वी पर वापस लेकर आ सके। इसलिए काफी लंबे समय से स्पेसएक्स अपने नए रॉकेट पर काम कर रही है, जिसका नाम स्टारशिप है। स्टारशिप के बारे में अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक 50 मीटर लंबी स्पेसशिप होगी, जिसमें करीब 30 से 40 इंजन लगाए जाएंगे। इस रॉकेट के जरिए हम एक समय में काफी ज्यादा पेलोड्स को मंगल ग्रह तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में मंगल ग्रह पर जाकर कॉलोनीज बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा पेलोड्स की जरूरत होगी, जिससे वहां पर इंसानों के रहने के लिए शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि एलन मस्क का स्टारशिप के बारे में कहना है कि स्टारशिप अब तक के मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा, जिसके जरिए स्पेसएक्स एक साथ 100 लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचा सकेगी। इतना ही नहीं बल्कि स्टारशिप में इन लोगों के लिए कई दिनों तक आसानी से रहने के लिए कई तरह की सुविधाएं भी मौजूद होंगी। पर अभी के लिए तो स्टारशिप प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट काफी धीमी है और स्टारशिप के पिछले कई टेस्ट काफी बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, जिसे देखकर लगता है कि स्टारशिप बनने में करीब 5 से 10 सालों का समय लगेगा, यानी कि ये पूरी तरह सन 2028 या 30 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगी। यानी सच बताऊं तो ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है कि एलन मस्क सन 2024 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर भेज पाएंगे। नंबर 1, वी डोंट नो इफ आर बॉडी विल सर्वाइव स्पेस। आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए अगर पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाया जाए तो उसमें कम से कम करीब 6 से 9 महीने का समय लग सकता है, और इतने लंबे समय तक स्पेस में जीरो ग्रेविटी के अंदर रॉकेट में बंद रहना इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे भी जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है, तब एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी में रहने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बावजूद भी एस्ट्रोनॉट्स को ISS पर जीरो ग्रेविटी में काफी परेशानी होती है, इसलिए नासा ने सभी एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक गाइडलाइन बनाई है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 4 या फिर कुछ स्पेशल मिशंस में 6 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि इससे ज्यादा समय स्पेस में रहना एस्ट्रोनॉट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि इंसानी शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी में रहने के लिए बना है, हमारी बोन्स और मसल्स पृथ्वी की ग्रेविटी का विरोध करती हैं, जिसके कारण हम खड़े हो पाते हैं और अपने रोजमर्रा के काम कर पाते हैं। पर अगर अंतरिक्ष में बिना ग्रेविटी के लंबे समय तक रहने पर हमारे शरीर की मजबूत बोन्स पतली होने लगती हैं और हमारी मसल्स भी अपनी ताकत खोने लगती हैं। इसके अलावा ISS पर लंबे समय तक रहकर लौटे एस्ट्रोनॉट्स पर की गई रिसर्च ये भी साबित कर चुकी है कि लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने से इंसान के ब्रेन और हार्ट पर भी काफी गहरा असर होता है, और ये सभी चीजें इंसान के लिए एक सीरियस इंजरी का कारण बन जाती हैं या फिर उसकी जान भी ले सकती हैं। और जब मंगल ग्रह तक यात्रा करने की बात आती है तो एलन मस्क इंसानों को केवल मंगल ग्रह पर उतार कर वापस नहीं लाना चाहते, बल्कि उनका सपना वहां पर इंसानी बस्ती को बसाना है। और अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी पृथ्वी से काफी ज्यादा कम है, यानी कि 9 महीने तक मंगल ग्रह की यात्रा में इंसानों को जीरो ग्रेविटी में रहना होगा, और मंगल ग्रह पर जितने भी समय इंसान रहेगा तब वो माइक्रो ग्रेविटी में ही रहेगा। ये सभी चीजें सच में एक सीरियस इशू है, और अभी इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है
जिसके चलते हम लंबे सफर के दौरान पृथ्वी की तरह ग्रेविटी एनवायरनमेंट स्पेसशिप में बना सकें, और न ही हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम मंगल ग्रह की ग्रेविटी को बढ़ा सकें। और जब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता, तब तक मंगल ग्रह की यात्रा करना या फिर मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना संभव नहीं है। नंबर 2, वी कैन ओनली रीच मार्स एवरी 2 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि मंगल ग्रह पर जाने की सबसे बड़ी समस्या मंगल और पृथ्वी के बीच इतनी बड़ी दूरी है, जिसके कारण हमें मंगल ग्रह तक पहुंचने में करीब 6 से 9 महीने का समय लग जाता है। पर आपको यहाँ पर एक और बात ये भी बता दूँ कि ये समय केवल तब है जब मंगल और पृथ्वी सबसे करीब मौजूद होते हैं, और ये भी एक खास समय है जो केवल 2 साल 2 महीने में एक बार ही आता है। इस समय को वैज्ञानिक लॉन्च विंडो कहते हैं, जो हर ग्रह के लिए अलग हो सकती है, और मंगल ग्रह के केस में ये लॉन्च विंडो हर 2 साल 2 महीने में एक बार आती है। और यही कारण था कि जब एलन मस्क से मंगल ग्रह पर जाने के बारे में पूछा गया तो उनका मंगल ग्रह पर जाने का प्लान 2024 के लिए था, क्योंकि 2024 में ही ये लॉन्च विंडो ओपन होगी, और अगर इस दौरान SpaceX लॉन्च नहीं कर पाई तो बाद में लॉन्च विंडो 2026 में जाकर ही ओपन होगी। क्योंकि अगर लॉन्च विंडो से पहले या बाद में SpaceX ने किसी मिशन को मार्स पर लॉन्च करने की कोशिश की तो उसमें उन्हें 2 से 3 सालों का समय भी लग सकता है, जो कि सच में काफी मुश्किल होगा। नंबर 3, मार्स एटमॉस्फेयर कैन किल ह्यूमंस इंस्टेंटली। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा पतला है, जिसमें करीब 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो इंसानों के किसी काम की नहीं है, यानी इंसान चाहकर भी इस खतरनाक एनवायरनमेंट में सांस नहीं ले सकता। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह पर तो इंसान स्पेस सूट पहनकर जाएंगे, तो आपको बता दूं कि ये बात सिर्फ मंगल ग्रह पर जाने या फिर वहाँ पर कुछ समय बिताने की नहीं है, बल्कि वहाँ पर इंसानों को रहना है, और मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर जितना खतरनाक है और हमेशा के लिए इंसान वहाँ पर स्पेस सूट पहनकर तो नहीं रह सकते, क्योंकि अगर किसी भी इंजीनियरिंग फेलियर या फिर टेक्निकल इशू के कारण स्पेस सूट में अगर खराबी आ गई तो मंगल ग्रह का जहरीला वातावरण 1 से 2 मिनट में ही इंसान की जान ले लेगा। इसके अलावा मंगल ग्रह के आसपास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, और इतना पतला वातावरण होने के कारण मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष का सारा कॉस्मिक रेडिएशन पहुंचता है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर रेडिएशन का लेवल पृथ्वी पर पड़ने वाले रेडिएशन के लेवल से करीब 50 गुना ज्यादा है, और इतनी ज्यादा मात्रा में हाई रेडिएशन इंसानों के DNA में चेंजेस कर सकता है, जिससे कैंसर और दूसरी कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, जो मंगल ग्रह पर मानव बस्ती शुरू होने से पहले ही मंगल पर मानव सभ्यता को खत्म कर देगी। नंबर 4, वी डोंट नो हाउ टू ग्रो फूड इन स्पेस। वैसे क्या आपको पृथ्वी पर रहने का सबसे बड़ा फायदा पता है? तो वो है कि पृथ्वी पर हम अपने खाने के लिए पेड़ पौधों को ग्रो कर सकते हैं, जिसे हम फार्मिंग या खेती कहते हैं। इसी खेती के आधार पर ही आज पृथ्वी पर इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन तक जा पहुंची है। लेकिन अंतरिक्ष में अभी तक हम इंसान खेती करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। कुछ समय पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खेती करने के लिए कई प्रयोग किए गए, जिसमें से कुछ सफल भी रहे, लेकिन फिर भी वो काफी नहीं थे, क्योंकि उनमें पृथ्वी की सॉइल या मिट्टी का प्रयोग किया गया था, क्योंकि खेती के लिए सॉइल में वाटर, ऑर्गेनिक्स और कई तरह के मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे कंपाउंड्स की जरूरत होती है। और पृथ्वी के अलावा अभी तक हम इंसान ऐसे किसी भी जगह को नहीं ढूंढ पाए हैं जहां पर इस तरह की मिट्टी मौजूद हो। और अगर बात मंगल ग्रह की जाए तो वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मौजूद नहीं है जिसकी मदद से वहां खेती की जा सके, यानी कि मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए खेती करना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। और अभी तो वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो मंगल ग्रह की मिट्टी में किसी तरह की खेती करने में मदद कर सके, और इसलिए अगर मंगल ग्रह पर कोई ह्यूमन मिशन किया जाता है तो उसके लिए फूड सप्लाई हमें पृथ्वी से ही लेकर जानी होगी, और ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते अभी तक इंसान मंगल ग्रह पर नहीं जा पाए हैं, क्योंकि बार बार वहां पर इंसानों के लिए पृथ्वी से फूड सप्लाई लेकर जाना संभव नहीं है। इसमें होने वाला खर्च काफी ज्यादा होगा, जिसे SpaceX तो क्या अमेरिकी सरकार भी अफोर्ड नहीं कर सकती। नंबर 5, डीप स्पेस कैन अफेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ये एक ऐसी परेशानी है जिसमें इंसान अभी तक नहीं रहा है, क्योंकि इंसानों ने अंतरिक्ष के सफर तो किए हैं, चाहे उसमें पृथ्वी से चंद्रमा पर जाना हो या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स का रहना हो, लेकिन डीप स्पेस मिशन अभी तक इंसानों ने नहीं किए हैं, और सही मायनों में वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि डीप स्पेस ट्रैवलिंग का इंसानों पर कैसा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर कई रिसर्च और वैज्ञानिकों की माने तो लंबे समय तक डीप स्पेस में ट्रैवल करना इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है,
खासकर जब वो पृथ्वी की एक खूबसूरत दुनिया और पूरी इंसानियत को छोड़कर एक घने काले अंधकार से भरे अंतरिक्ष में सफर कर रहे हो, जहाँ दूर दूर तक न कोई उम्मीद हो और न ही कोई इंसान। ये इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है और इससे एस्ट्रोनॉट्स के फैसला लेने की क्षमता भी प्रभावित होगी। और मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद भी इंसान बेहद अकेला होगा और सालों तक मंगल पर अकेले रहना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, जो किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। नंबर 6, मार्स डजंट गेट इनफ एनर्जी फॉर अ ह्यूमन कॉलोनी। हमने अभी मंगल ग्रह पर जाने और वहाँ पर रहने की इतनी सारी परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, जिन्हें अभी सॉल्व करना बाकी है, लेकिन अभी हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भूल रहे हैं और वो है एनर्जी। पृथ्वी पर हमारे स्टार यानी कि सन से आने वाली एनर्जी के कारण ही पेड़ और पौधे उग पाते हैं और पानी लिक्विड स्टेट में रह पाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर इंसानी जीवन ग्रो हो पाया है। पर मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सन से बहुत ज्यादा दूरी पर है, जिसके कारण सूर्य से मंगल ग्रह पर काफी कम ऊर्जा ही पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इंसानों के लिए तो काफी ज्यादा कम है। इसलिए बिना स्पेस सूट के वहाँ पर रहना संभव नहीं है और स्पेस सूट पहनने के बाद भी हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीजन निर्माण के लिए एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ही। पर सनलाइट भी मंगल ग्रह पर काफी कम पहुंचती है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना काफी अनसफिशियंट है। इतनी कम एनर्जी में मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनी बनाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा और ये एक बड़ी समस्या है जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। नंबर 7, इट्स हार्ड टू मेक सस्टेनेबल कॉलोनीज। वैसे पृथ्वी पर तो इंसानों की जरूरत का हर सामान मौजूद है, जहाँ पर फार्मिंग हमारी फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है और माइनिंग से मिलने वाले मेटल्स के जरिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर सकते हैं। पर अगर हमें मंगल ग्रह पर जाकर रहना है तो वहाँ पर हमें इसी तरह की सस्टेनेबल कॉलोनीज बनानी होंगी, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हों और मंगल ग्रह पर ही मिलने वाले रिसोर्सेज और फूड सप्लाई से अपने आप को सस्टेन कर सकें। क्योंकि अगर मंगल ग्रह पर रहने के बाद भी वहाँ पर एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर से ही खाना और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान भेजा जाएगा तो ये काफी ज्यादा इनसफिशियंट होगा, क्योंकि मंगल ग्रह तक की एक यात्रा में होने वाला खर्च काफी ज्यादा होता है। इसलिए अगर हम मंगल ग्रह पर इंसानी सभ्यता को इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए तो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर भी उनकी निर्भरता पृथ्वी पर ही होगी, जो उनके लिए और पृथ्वी पर बैठे इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इन सारी परेशानियों के बारे में जानकर आपको तो ये पता लग ही चुका होगा कि मंगल ग्रह पर जाना और वहाँ पर एक ह्यूमन कॉलोनी बसाना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर एक सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर जाना जरूरी है। वैसे इस सवाल का जवाब काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। हर कुछ लाख सालों में पृथ्वी पर एक मास एक्सटेंशन होता है, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाला 90% जीवन समाप्त हो जाता है। आज से 6 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के साथ ऐसा ही हुआ था, हम सब जानते हैं। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो इंसानों का दूसरे ग्रह पर कॉलोनी बनाना मानव सभ्यता के लिए ज्यादा जरूरी लगता है, क्योंकि शायद वो दिन दूर नहीं जब किसी एस्टेरॉयड की टक्कर या फिर न्यूक्लियर वॉर एक नए मास एक्सटेंशन का कारण बन जाएंगे और मानव सभ्यता को मिटा देंगे। पर इससे बचने के लिए पृथ्वी को छोड़ने के बजाय हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर सकते हैं जो किसी एस्टेरॉयड की टक्कर से पृथ्वी और इंसानी सभ्यता को बचा सके। और नासा इस तरह के मिशन्स पर भी काम कर रही है। आपको डार्ट यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट मिशन तो याद ही होगा, जिसमें नासा ने न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट को डायमॉर्फोस एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा में परिवर्तन किया था। इस मिशन की सफलता को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शायद अब इंसानी सभ्यता उस मुकाम पर है जब वो पृथ्वी की ओर आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड की सही समय पर सही दिशा में परिवर्तन करके इंसानी सभ्यता को बचा सकती हैं। और अगर एस्टेरॉयड टक्कर की ही बात है तो वो तो मंगल ग्रह पर भी हो सकती है। इसलिए कई लोगों का ये मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के नाम पर जो मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने में जो खर्च हो रहा है, वो पृथ्वी पर ही ग्लोबल वार्मिंग और नेचुरल डिजास्टर जैसे खतरों से बचने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या मंगल ग्रह पर जाना हमारे लिए फायदेमंद होगा। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।